जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं अपने स्किन पर यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के नेम्स के साथ लिंक्स मिल जाएंगे। हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ माहिरा शर्मा बिग बॉस सीज़न 13 इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाने वाली हूँ। मैंने ये लुक इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज़ दिस इज़ माय गो टू लुक। ये ऐसा पारी लुक है मेरे लिए जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ हमेशा ही कैरी करना, बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल, इजी टू डू एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा, खूबसूरत सा, टीनेज टाइप वाला लगता है। एंड माहिरा इस लुक में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं माहिरा जैसी लग रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग हर इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश से धोया, देन मैंने रोज़ वाला टोनर इस्तेमाल किया ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। आफ्टर दैट मैं ये प्लम का ग्रीन टी वाला मैट मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, तो बिल्कुल नेचुरल सा लगेगा मेकअप होने के बाद, केकी नहीं होगा। एंड फिर मैं पर्पल का ये 24K गोल्ड वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इस प्राइमर से मेरी स्किन एकदम से स्मूथ हो जाएगी, इसके बाद मेरा मेकअप अच्छे से स्मूथली ग्लाइड करेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा। प्राइमर लगाने के बाद 3 से 4 मिनट रुकने के बाद में फिर मैं अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन मैंने अपनी स्किन से 1 से 2 शेड्स लाइट लिया है बिकॉज़ मेरी स्किन में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है आज के टाइम पे, मिलानी का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है स्किन में, मैट है, फुल कवरेज देता है और स्किन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे। तो अगर ये हल्का सा एक्सपेंसिव है भी तो टोटली पैसा वसूल फाउंडेशन है बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। देन मैं ये एले गर्ल का कंसीलर लगा रही हूँ। इट हैज़ लिटिल पीच अंडरटोन टू इट जिसकी वजह से कोई भी डार्कनेस या डार्क सर्कल्स होंगे तो उसको ये कैंसिल आउट कर देगा और हाइड कर देगा। जो मेरे चेहरे के ब्राइट एरियाज़ हैं, हाइलाइटेड एरियाज़ हैं, उन पर मैं इसको लगा रही हूँ और जहाँ पर थोड़ी सी भी डार्कनेस या स्पॉट्स मुझे लग रहे हैं वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मुझे 80-90% कवरेज मिल गई है, कोई भी मेरे ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स कुछ भी अब चेहरे पर विजिबल बिल्कुल नहीं है। देन लेकिन मैं फिर भी एक कंसीलर और लगा रही हूँ अपने चेहरे के हाइलाइटेड एरियाज़ को ब्राइटन अप करने के लिए। जो भी चेहरे के वो एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पर लाइट फॉल करती है तो वो चमक करके आते हैं, उन एरियाज़ पे मैं अपनी स्किन से 2 शेड्स लाइट कंसीलर लगा रही हूँ। अगर थोड़े बहुत भी डार्क स्पॉट्स विजिबल होंगे तो उनको भी ये कवर अप कर लेगा, डार्क सर्कल्स विजिबल होंगे तो। और दूसरा मेन चीज़ क्या है कि मेरे चेहरे को अच्छे से ब्राइटन अप कर देगा और अच्छा हाइलाइटेड लगेगा चेहरा सेंटर ऑफ फेस पे और अंडर आई एरिया में। इन्वर्टेड ट्राइंगल्स की शेप में मैंने इसको लगाया है, जहाँ जहाँ पर मैंने लगाया है एग्जैक्टली वहीं वहीं पर ब्लेंड करना है बिकॉज ये वो पार्ट है फेस का जो अच्छा सा हाइलाइटेड और सुंदर लगता है। तो अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड कर लेना है, इससे चेहरा थोड़ा स्कल्प्टेड भी लगेगा ऑटोमेटिकली, चाहे कॉन्टोरिंग अगर हम नहीं भी करते हैं तो। जहाँ तक मुझे लगता है कि माहिरा शर्मा के यूजुअल लुक्स में उसने कॉन्टोरिंग नहीं करी होती है, बट स्टिल शी हैज़ अ वेरी स्लिम एंड स्कल्प्टेड फेस, तो इस वजह से मेरे लिए कॉन्टोरिंग करना फिर भी ज़रूरी होगा। इसके पहले कि मैं कॉन्टोरिंग स्टार्ट करूं, मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूं यूजिंग दिस बेला वास्तिका कॉम्पैक्ट। जहां जहां पे भी मैंने कंसीलर लगाया है अच्छे से वहां पर मैं सेट कर रही हूं और बाकी थोड़ा सा अपने चेहरे पर, बाकी के चेहरे पर भी लगा लूँगी। पैक पैक करके लगा रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही हूँ, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल लाइटली, जेंटल हैंड से मैं लगा रही हूँ। देन आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर स्टिक मैं अपने साइड्स ऑफ नोज़ पर लगा रही हूँ, इससे मेरी नोज़ थोड़ी स्लेंडर और स्लिम दिखेगी। फ़िश फेस बनाना है एयर सक करके, जो हॉलो आता है चीक पे वहाँ तक ले करके जाना है कॉन्टोर स्टिक को, मिडल ऑफ ईयर या फिर स्टार्टिंग ऑफ ईयर से स्टार्ट करते हुए। एंड जॉ लाइन पर थोड़ा मैंने लगाया है और फॉरहेड के ऊपर की तरफ आप लगा सकते हैं इफ़ यू हैव अ बिग फॉरहेड, दैट इज़ टोटली योर चॉइस एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड। मुझे नहीं लगता है कि मेरे फॉरहेड पे मुझे कॉन्टोरिंग की कोई ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए वो मैं नहीं कर रही हूँ। अब कॉन्टोर लाइंस को एग्जैक्टली वहीं वहीं पर ब्लेंड करना है जहाँ जहाँ पर हमने लगाया है, अदरवाइज़ मडी लगेगा फेस, हमें मडी नहीं लगाना है अपने फेस को, ओवरऑल नेचुरली स्कल्प्टेड लगना चाहिए फेस। इसके लिए मैं यहाँ पर क्रीम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, पाउडर कॉन्टोरिंग मैं आज इस लुक में बिल्कुल भी नहीं करूँगी बिकॉज़ जब हम क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं ना इस तरह से
तो चेहरा काफ़ी ज़्यादा नेचुरली स्कल्प्टेड लगता है, पता ही नहीं लगता है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट लगा के हमने कॉन्टोरिंग की है। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल मुझे नेचुरल सनलाइट सा ही लुक चाहिए। क्योंकि अब मैं कालाबार की आईब्रो पेंसिल जो कि शेड चेस्टनट में है इसको यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल क्रीमी, तो इसके लिए इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगेंगी आईब्रोज अगर थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो। बिल्कुल लाइट प्रेशर लगा करके आईब्रोज को शेप अप करना है। ज़रा सी आग्ड है माहिरा की आईब्रोज, सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आईब्रोज को आग्ड फॉर्म में बना रही हूँ। और फिर अंदर की तरफ से फेडेड लुक आना बहुत ज़रूरी है सो दैट नेचुरल लगे। तो ज़रा सा अपनी फिंगर की मदद से और स्पूली की मदद से, जो कि आईब्रो पेंसिल के बैक साइड में ही है स्पूली, उसकी मदद से मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है सो दैट ओवरऑल लुक जो आए आईब्रोज का वो नेचुरल आए। देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस आ गया था। देन अब आईब्रोज आर डन। अब मैं आई शेडो के लिए ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कम्फर्ट जोन, और ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। बिल्कुल सिंपल सा है, अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली पैलेट है, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स। तो मैंने साइड में ब्राउनिश पीचेस शेड लगाया है अपने आउटर वी में और अपने ट्रांजिशन लाइन में, और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे, ज़रा सा लगाना है, दैट्स इट। बिकॉज माहिरा ने ऐसा चत्ता आई शेडो यूजली नहीं लगाया होता है, इफ़ लगाया होता तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और न्यूट्रल होता है, सो एज़ पर दैट मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। एंड देन मुझे थोड़ा सा कमी सी लगी तो इसके लिए मैं ज़रा सा ये बेज शेड इस पैलेट में से लेकर के अपने आईलेट पर लगा रही हूँ। यू कैन स्किप दिस एज वेल, बट बहुत ही ज़्यादा लाइट सा हल्का सा मैं लगा रही हूँ ताकि ओवरऑल आईज़ थोड़ी सी कंप्लीट और सुंदर लगे। देन आई एम टेकिंग दिस वेरी फेवरेट लिक्विड आईलाइनर ऑफ माइन, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिक्विड आईलाइनर है। इससे जस्ट मुझे अपने अपर लैश लाइन को डिफाइन करना है, दैट्स इट। ये आईलाइनर वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, ये पूरा दिन मेरे चेहरे पर लाइक मेरे आईज़ पर टिका रहता है, उतरता नहीं है। प्लस इट इज़ क्रुएल्टी फ्री एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक दिस आईलाइनर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये। बाय द वे सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आपको मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो मैंने अपने फॉल्स आई लैशेज़ लगा लिए हैं बिकॉज माहिरा यूजुअली फॉल्स आई लैशेज़ ऊपर की तरफ लगा करके रखती है, एंड अब फॉल्स आई लैशेज़ को अपने ओरिजिनल लैशेज़ के साथ ब्लेंड करना है। तो इसके लिए मैं ये कालाबार का बहुत ही अमेजिंग वाला मस्कारा लगा रही हूँ। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड अमेजिंग मस्कारा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ये भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। लोअर लैश लाइन माहिरा की 99% ऑफ द टाइम्स बिल्कुल क्लीन रहती है तो उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ। देन हल्का सा हाईलाइटेड होता है माहिरा का फेस तो उसके लिए मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर लिया अपने चेहरे को बिकॉज आई रियली लव दिस हाईलाइटर, एंड जब मैं ये वाला लगाती हूँ तो मेरा मन करता है बस लगाते ही जाऊँ। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, इस वजह से आई एम गोना ग्लो अ लॉट, बट डैम दिस जस्ट लुक सो नेचुरल, वेरी ग्लोइंग, वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है। डेफिनेटली माय करंट फेवरेट हाईलाइटर, शैम्पेन शेड का है, बहुत अच्छा लगता है, सभी इंडियन स्किन टोन्स पर आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से जाएगा। तो मैंने इसको अपने चीक बोन्स पर लगाया, ब्रिज ऑफ नोज पे, मिडल ऑफ फॉरहेड पे, लिटिल क्यूपिड बोन पे और अपने चिन एरिया पर लगाया। देन आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर का ब्लशर। माहिरा के चीक्स थोड़ा सा लाइक बबली चबली से ऐसे लगते हैं, हल्का सा कलर हमेशा दिखता है, कोरल सा होता है, या तो पिंकिश होता है या फिर वो पीचिश होता है। सो आई एम गोइंग फॉर अ पिंकिश लुक टुडे। अपने हाईलाइटर और कॉन्टोर लाइन के बीच वाले एरिया में ज़रा सा स्माइल करके मैं पिंक कलर का ब्लशर लगा रही हूँ, बट बहुत लाइट लगा रही हूँ। दिस ब्लशर इज़ अगेन वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी हाई क्वालिटी, शुगर का है, बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दिस इज़ माई करंट फेवरेट लिपस्टिक, आई एम इन लव विद दिस लिपस्टिक, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हूँ मुझे। आई लव माई सेल्फ वेन एवर आई यूज़ दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ लिपस्टिक बिकॉज इसमें हल्का सा पीच अंडर टोन है, बट स्टिल ये ब्राइट नहीं है और ओवरऑल ये लाइट पिंक सी लगती है। इट लुक्स वेरी नेचुरल, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, पैक की लिप क्रीम है ये, आई रियली लव दिस। माहिरा ने भी हल्के से ऐसी कोरली पिंकी टाइप की या फिर पीची टाइप की लिपस्टिक्स लगाई होती हैं। देन फेसेस का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए, एंड दिस इज द कंप्लीटेड लुक। पर्सनली इस लिपस्टिक के साथ में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल और अच्छा वाला फील होता है, मेरा पूरा चेहरा ना मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वेन एवर आई यूज़ दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ लिपस्टिक। इसका लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड
इसका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मैट और अच्छा वाला है। दूसरी बात ये कि ये जो लुक मैंने आज क्रिएट किया है ना, आप इसके साथ में कोई भी कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं एंड वो टोटली इस लुक के साथ में जाएगी। यू कैन टोटली वेयर दिस लुक किसी भी ओकेजन पे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।